अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद्यालय को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसा कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हम लोग यही होता है कि अपने देखने वालों के लिए जो जितनी रेसिपीज लेके जाएँ जिससे सहरी और इफ्तारी के हवाले से हो, तो हम आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करें वो है आलू के पराठे। तो अब इसकी रेसिपी क्या है, ये आलू के पराठे चाहे आप लोग सहरी में, क्योंकि अमूमन सहरी में ही ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो हम आपके साथ उसकी तरकीब को शेयर कर रहे हैं। तो ये मम्मा से जानते हैं कि मम्मा धड़ा धड़ के अंदर चीज़ें डाली जा रही हैं, वो चीज़ें क्या हैं और कितनी कितनी डालनी हैं, ये जल्दी से मम्मा से जानते हैं। अच्छा, मैं रुक गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भैया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर, चलो मैंने कहा जल्दी जल्दी डाल देती हूं। हां, धड़ा धड़ 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 धड़। मैंने प्याज, हरी मिर्च, तो ये दादरी मिर्च का एक चम्मच डाल लिया, तो मैंने ना सूखा धनिए का एक चम्मच। तो आपने क्या क्या डाल दिया है? तो सब कुछ डाल दिया, तो अच्छा वो डाल दिया मैंने, अनारदाना डाल दिया। अच्छा जी, अब आपके सामने ना मैं जीरा डालती हूँ। अभी मैंने नमक नहीं डाला। तो आपने और कुछ नहीं डालना? अभी मैंने और कुछ नहीं डाला, ये मैंने नमक। तो अब आपने नमक में डाला है? अब ये है नमक, अपनी मर्जी से भी आप डाल सकते हैं कम ज्यादा, ठीक है? ठीक है, मैं ना इसे ना मिक्स कर देती हूँ, फिर मैं ना पराठे बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो मज़ेदार से हम लोग यहाँ पे आलू बाजू से पराठे वो तैयार करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप ये बना के रख लें ना, तो फिर सैरी के लिए ना बनाने के में आसानी होगी। हाँ जी, मतलब पहले आपको मतलब ये मिक्सर बना के रख लें, तो फिर आपको मतलब जो होते हैं पराठे बनाने में आसानी हो जाएगी। आप मिक्सर बना हुआ होगा किसी को देर हो जाती है ना, करेंगे हाँ, और उसको मतलब जो सहरी टाइम है वो बना लेंगे। तो फिर हम इसको मिक्स करने के बाद आपको व्यूअर्स दोबारा दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देना, देखना मज़ेदार से जो से रमज़ान स्पेशल रेसिपी आलू के पराठे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कैसे तैयार हो। थोड़ी सी मैंने कहा लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, अच्छे बन जाएंगे करारे, बच्चे करारे बहुत पसंद करते हैं। और अब आपके अंदर ये क्या डाल रहे हैं? एक चम्मच सूखी मेथी का, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी, मतलब जो इसका अरोमा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो इससे जो सा है मतलब एक रूटीन से हटकर जब आप इसके अंदर मेथी डालेंगे तो उसका फ्लेवर जो सा है वो आपको अच्छा लगेगा खाने में। तो बस अब हम लोगों ने मतलब इसको मिक्स करके रख लिया है, तो फिर हम लोग पराठे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर, इस वक्त सहरी का टाइम है और आज की जो हमारी वीडियो है वो हम सहरी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त सहरी की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर मम्मा बना रहे हैं चीज़ पोटैटो चीज़ पराठा। और पोटैटो चीज़ जो उनसे पराठे हैं वो कैसे तैयार होंगे, इनकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये ना मैंने पहले भी आपको दिखाया था ना, करके रख दिए थे ये आलू मिक्स करके मिर्चें वगैरह डाल के। ये देखें, ये मैंने इसमें रख दी है, ये अब मैं इसके ऊपर ना ये डाल देती हूँ। ये देखें, ये हमने आपको रेसिपी पहले दिखा दी थी कि मतलब हम लोगों ने कैसे जो सा है ये मिक्सचर तैयार करना है। ये मिक्सचर हमने आप लोगों के सामने तैयार करके रख दिया था और उसके बाद हमने कहा था कि इसके हम लोग पराठे तैयार करेंगे, तो पराठे तैयार करने की तरफ हम लोग आ गए हैं। ये जो हम लोगों ने बॉल्स बनाए थे, ये हम लोगों ने बॉल्स जो से हैं वो उसके रोटी के अंदर रख दी है, साथ ही हम लोगों ने ऊपर चीज़ भी रख दिया है। आपको बताया था क्या क्या डालना है हमने, और आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। तो अभी हम लोग जो सा पराठा वो तैयार कर रहे हैं और सहरी का टाइम हो चुका है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो पराठा बनाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर बनाए, बहुत मज़ेदार है, इसको आप लोग बना कर रख सकते हैं। ये है ना, किसी को दिल नहीं ना करता सालन रोटी को, अंडा परोठे को, जो इसके आलू वाला भी ये पका के ना आप खा सकते हैं। और फिर इसके साथ डिफरेंट भी हो गया कि मतलब अगर सिर्फ आपने आलू वाला बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी हमने शेयर कर दी, लेकिन अगर आपने चीज़ उसको शामिल करना है तो चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके साथ हम लोगों ने जो से वो शेयर कर दी हैं, हम लोगों ने चीज़ भी इसके अंदर शामिल की है। तो अभी अच्छा सा हम लोगों ने माशाल्लाह बेल लिया, इसको हम तवे पे डालते हैं और तैयार करते हैं। आ जाए उधर, पराठे को हम लोगों ने डाल दिया है तवे पे और अब हम इसको बनाएंगे और आपके सामने तैयार करेंगे। तो आप लोग चाहे इसे देसी घी में बना लें, चाहे मक्खन में, चाहे कुकिंग ऑयल में, आप लोगों ने मतलब करना है इसको रेडी, जिस तरह आप लोगों की चॉइस है आप लोग उसे कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, हम लोगों ने जो सी इसके साइड वो चेंज कर ली है और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ गया है।
और हम लोगों ने इसके ऊपर घी लगा दिया। घी जो हम लगा रहे हैं वो देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों का जो दिल चाहे आप लोग बना सकते हैं। तो अब जो सा वो उसके अंदर चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगा, तो बहुत अच्छा इसका जो सा है वो फ्लेवर आपको लगेगा खाने में। और जो आलूओं का फ्लेवर होगा वो भी, अगर आप सिर्फ आलू ही शामिल करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर चीज़ करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। मज़ेदार सी जो सी हमारी सहरी है वो तैयार हो रही है। और आप लोग भी अपने घर में सहरी की तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोग अपने घर अमूमन सहरी में क्या मतलब पराठे बनाते हैं या बाज़ार से मंगवाया जाता है? अमूमन तो पराठे ही लोग मतलब खाते हैं अपनी सहरी में। हमारे पाकिस्तान में तो यही है कि पराठे ही खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं सहरी में, इसलिए हमने ये जो सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। देखेंगे चीज़ भी जो सा वो मेल्ट हो गया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें जैसे इस चीज़ के नोट से वो बबल्स बन रहे हैं। तैयार हो ठीक है। तो हम बाकी भी जो से दूसरा पराठा उसको भी तैयार कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह देसी घी की अपनी खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको रिश्वर करते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी सहरी का टाइम हो गया है और हम लोगों ने पराठा भी तैयार कर लिया है। इसको हम लोगों ने उतार लिया है तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये देखिए अंदर से कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। और ये देखें ये जो चीज़ है ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये जो है वो मेल्ट हो गया है। गर्मा गर्म धुएँदार जो सा हमारा पोटैटो चीज़ पराठा है और सहरी का टाइम हो गया है। हम लोगों ने इसको बनाया तो भी बड़ी उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है पराठे की जो हमने सहरी के वाले से शेयर की है सहरी में बनाएं, ये जब आपका दिल करे आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मेथी भी डाली है इसके अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त मेथी की भी खुशबू आ रही है। और ये जो चीज़ है ये मेल्ट हो गया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब व्यूअर्स आप लोगों से ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि सहरी का टाइम हो चुका है, हमें सहरी भी करनी है। आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।